Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of December 2021, Thursday. Inspiration of the day is try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number one given on page number five LIC provisions up, NPAs down ahead of listing financial year 21 report. So, just before the listing, LIC has provided heavily against its debt portfolio, against its loans, in order to improve its financial book so that a better value in terms of share price can be obtained. So, as per the report of financial year 21, LIC, that is Life Insurance Corporation,

फाइनेंशियल ईयर 21 में एल की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है फाइनेंशियल 21 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसे हम एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं उसमें एल ने सैंतीस हजार तीन सौ इकतालीस दशमलव छः करोड़ का प्रोविजनिंग करी है किस लिए प्रोविजनिंग करी प्रोविजनिंग मतलब इतना पैसा एल ने किनारे निकाल कर या प्रॉफिट से निकाल कर अलग रख दिया है किस लिए रख दिया है फॉर डाउटफुल सबस्टैंडर्ड और लॉस असट जो एल के एन थे उसके लिए इससे क्या होगा इससे आगे आने वाला टाइम यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री के बाद से एल आई सी की जो फाइनेंशियल बुक है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि दिस विल रिड्यूज द्यूज एन पी ऑफ एल आई सी फ्राम इट्स बुक वैल्यू इसके अलावा जो लॉस असर्ट्स हैं सब स्टैंडर्ड असट्स हैं डाउटफुल असट्स हैं इसके अलावा एल आई सी हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड 2,406.63 करोड़ फॉर स्टैंडर्ड असेट्स एज वेल और जो कि क्लियरली एल की एनुअल रिपोर्ट में डिक्लेयर किया गया है सीधा सीधा ये कहा एल आई ने कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एन पी हैं एन पी ए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एन पी हैं उनके लिए सैंतीस हज़ार करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली प्रोविजनिंग करी गई है और जो स्टैंडर्ड असेट्स हैं उनके लिए दो हज़ार चार सौ छः करोड़ की प्रोविजनिंग करी गई है फॉर कवरिंग द फ्यूचर रिस्क की अभी तो वो स्टैंडर्ड ऑसर्ट्स हैं लेकिन अगर क्या फ्यूचर में वो भी या उसमें से कुछ पार्ट एनपीए में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग एल आई सी ने करी है और इससे पहले कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी फाइनेंशियल ईयर 20 की तो उसमें भी एल आई ने अप्रोक्सीमेटली पैंतीस हजार करोड़ की डेट पोर्टफोलियो के लिए प्रोविजनिंग करी थी और इन सब के बाद से एल हैज़ मैनेज्ड टू ब्रिंग इट्स नेट एनपीए डाउन टू अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन जो कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में यही जो एन का परसेंटेज था वो जीरो पॉइंट सेवन नाइन परसेंट था सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट एन और अगर ग्रॉस एन की बात करें तो ग्रॉस एनपीए भी पिछले साल के कंपैरिजन में रिड्यूस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 20 में ग्रॉस एनपीए एलआईसी का 8.17 परसेंट था जो कि इस डेट प्रोविजनिंग के बाद से फाइनेंशियल ईयर 21 में रिड्यूस होकर 7.78 परसेंट तक आ गया है अब यहाँ पर एक की क्वेश्चन uh, ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट एन और ग्रॉस एन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इन दोनों ही एन डेफिनेशियन दोनों ही टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है एन पी ए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग असर्ट्स और एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ आर पी आई कोई भी ऐसा असर जिसमें नब्बे दिन तक नब्बे दिन तक ना ही उसका प्रिंसिपल और ना ही उसका इंटरेस्ट पे होता है तो वी बैंक क्लासीफाई दम एज़ एन पी ए हालांकि कोविड के ड्यूरेशन में बैंक ने इस नब्बे दिन को या हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने या आर बी आई ने इस नब्बे दिन की विंडो को बढ़ा करके वन एटी डेज का कर दिया था बट जो स्टैंडर्ड विंडो है वो नाइन्टी डेज़ की है तो अगर नाइन्टी डेज तक किसी लोन में एन बी एफ सी या बैंक के किसी लोन में इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट नहीं होता है तो दैट पर्टिकुलर लोन इज क्लासीफाइड एज एन पी ए तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट एन पी एंड ग्रॉस एन पी ए तो फिलहाल के लिए न्यूज ये है कि इस प्रोविजनिंग के बाद से एल का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है एंड दिस विल हेल्प द एल टू डिस्कवर द गुड शेयर वैल्यू व्हेन एल विल गो फॉर लिस्टिंग सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ईल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एल कितना इनकम इसकी इन्वेस्टमेंट से आई है और टोटल इनकम कितनी रही तो दिस इज द ग्राफ एंड वी कैन इजिल सी इट इज इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर तो फाइनेंशियल इयर टू थाउजेंड सेवन से लेकर के फाइनेंशियल ट्वेंटी वन तक का डेटा है एज पर द आर बी आई एज पर द एल आई सीज एनुअल रिपोर्ट एंड दिस इज द डेटा अबाउट ईल्ड ऑन एल आई सीज इन्वेस्टमेंट एंड इट इंडिकेट्स दैट इट इज डेक्लाइनिंग हाउर ईल्ड ऑन एल आई सी इन्वेस्टमेंट इज बट येस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज इनक्रीजिंग और वी कैन से इट इज़ फ्लक्चुएटिंग ऑल दो इट इज़ ऑन इंक्रीजिंग मैनर सो फिलहाल सीधा सीधा मतलब ये है कि पब्लिक के होने के लिए या लिस्टिंग में जाने से पहले एल आई सी अपने जो भी फाइनेंशियल uh, लू पोल्स हैं उनको रिमूव करना चाहती है उनको मिटिगेट uh, करना चाहती है जिससे कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी वैल्यू और ऐसा कहा जा रहा है कि एल का जो आई आएगा वो सबसे बड़ा आई आएगा अभी तक का फिलहाल कितने का आएगा कितने का नहीं आएगा अभी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कलोजर नहीं है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवेन ऑन पेज नंबर फाइव स्टेट्स इम्प्रूव फिजिकल पोजिशन बट लोकल बॉडीज स्टिल सफर उन देअर डेफिसिट बाई लास्ट ईयर एज रिवेन्यू इम्प्रूव लिफ्ट इन पेंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूजडे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूजडे को स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट्स का जो फिजिकल डेफिसिट था कोविड के ड्यूरेशन में यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में जो स्टेट्स ने फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज किया था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एक्सपेंडिचर उसकी वजह से जो स्टेट्स गवर्नमेंट का डेफिसिट हुआ था जो फाइनेंशियल ईयर 21 में अब स्टेट जो हैं उस डेफिसिट को कम करने में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं दे हैव बजटेड टू ब्रिंग डाउन देयर डेफिसिट बाय अ फुल परसेंटेज क्यों क्योंकि मैक्सिमम स्टेट में पैंडामिक रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ईज हो गए हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और स्टेट्स का जो रिवेन्यू है वो इम्प्रूव हो रहा है तो so डेफिनेटली अगर रिवेन्यू आना शुरू हो गया है या रिवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया तो स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा पैसे से अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट आउट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स फिजिकल डेफिजिट लेकिन कहीं ना कहीं जो आर की रिपोर्ट है ये ये भी पॉइंट आउट कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास तो रिवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है दैट इज वाई दे आर एबल टू ब्रेंक डाउन देअर डेफिजिट बट येस लोकल बॉडीज हैव बीन बैडली हिट बाई पैंडेमिक एंड मस्ट बी अलाउड फंक्शनल ऑटोनॉमी एज पर द आर आर बी आई ने अपनी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में कहा है कि जो लोकल बॉडीज हैं वो पैंडमिक से बहुत बुरी तरीके से हिट हुई हैं और उनके पास रिवेन्यू जनरेट करने के बहुत अच्छे मीडियम भी नहीं है तो इट इज़ अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट दैट दे शुड अलाउ द फंक्शनल ऑटोनोमी टू दोज लोकल बॉडीज सो दैट दे कैन एक्चुअली मिटिगेट और द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ने जो अपना फिजिकल डेफिजिट बजट डिसाइड किया है बजटेड किया है था इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो थ्री पॉइंट सेवन था और आपको पता होगा एज पर दरबीएम एक्ट तीन से नीचे फिजिकल डेफिसिट रखना होता है चाहे वो स्टेट्स गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो पैंडमिक टाइम में फोर पॉइंट यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन में इट वॉज फोर पॉइंट सेवन और सीधा सीधा रीजन ये था कि स्टेट्स गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़े थे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में थ्री पॉइंट सेवन तक का बजट मैक्सिमम स्टेट्स गवर्नमेंट ने रखा था एंड दे आर ए एबल टू अचीव इट और दे आर अबाउट टू अचीव इट क्योंकि रिवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो चुका है पैंडमिक रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या जो लोकल बॉडीज़ हैं अर्बन लोकल बॉडीज हो गई जो हमारे ग्राम पंचायत हो गए म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई दे आर अंडर सीवियर स्ट्रेन एंड फोर्सिंग दैम टू कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर एंड मोबलाइज फंडिंग फ्राम वेरियस सोर्सेज तो जो पैंडमिक का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से जितनी भी जो लोकल बॉडीज़ हैं चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हों चाहे वो लोकल रूरल बॉडीज़ हों दे ऑल आर एक्चुअली अंडर सीवियर स्ट्रेन और जिसकी वजह से या तो उन्हें अपने एक्सपेंडिचर कम करने पड़ रहे हैं या तो उन्हें अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से फंड को मोबलाइज़ करना पड़ रहा है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर जो डेवलपमेंट के काम होते हैं जो छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम होते हैं वो होल्ड करेंगे वो रुकेंगे इसके अलावा फंड मोबलाइज करेंगे अगर ये लोकल बॉडीज तो आगे इनके पास बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन के राइट्स तो होते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को और ज्यादा डिग्रेड करेगा क्योंकि दे आर दे मे बी नॉट एबल टू तो रीपे दोज लोन दोज डेट दो सोर्स फंड दैट दे आर एक्वायरिंग इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस

उन्होंने अच्छा काम किया और एक्चुअली उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट तो फंड पास कर देती जो एक्चुअल काम होता है वो लोकल बॉडीज़ या लोकल जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो ही करती हैं जिसकी वजह से द फिनंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज एक्चुअली वर्सन एंड द पेंडेमिक वर्सन द लोकल गवर्नमेंट सस्टेनेबल इन बोथ द फाइनेंशियल ईयर इट मीन्स फाइनेंशियल ईर ट्वेंटी इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू इट मीन्स सिंपली इन फर्स्ट वेव एज वेल एज इन सेकेंड वेव तो क्लियरली बोला है आर बी आई ने जो एस्टिमेट दिए उसमें बोला है कि लोकल बॉडीज ने अप्रॉक्सीमेटली पंद्रह से पच्चीस परसेंट का रिवेन्यू अपना खो दिया है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन में ओनिंग टू द पैनडामिक एंड विच में मेक द मेंटेनेंस ऑफ द करेंट लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी डिफिकल्ट तो जो भी वैक्सीनेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी कंटेनमेंट स्ट्रेटजी सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड जो भी एक्ट सर्विसेज हैं अगर इनको मेनटेन रखना है तो लोकल बॉडीज़ की फाइनेंशियल हेल्थ को भी मेनटेन करना ज़रूरी है अदरवाइज दिस विल अफेक्ट द मैंटेनेस ऑफ करंट लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी बाई दिस लोकल गवर्नमेंट और बाय दिस लोकल अथॉरिटीज और बाई दिस लोकल बॉडीज और थर्ड ईयर गवर्नमेंट तो इसीलिए आर ने बोला है कि इनको फंक्शनल ऑटोनमी दी जाए जिससे कि एटलीस्ट कुछ अमाउंट में ये फंड रेज कर पाए ये लोकल बॉडीज तो फिलहाल ये आर की रिपोर्ट में कहा गया है एंड दिस इज़ द मेजर डेफिसिट इंडिकेटर एज पर द आर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर कितना जी रहा रिवेन्यू डेफिसिट कितना रहा और प्राइमरी डेफिसिट कितना रहा तो ये कंपेरेटिव डेटा है एज पर द आरबीआई आप देख सकते हैं डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं है इट इज जस्ट फॉर अ ग्म्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल डेफिसिट पोजिशन ऑफ स्टेट एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज तो आरबीआई ने रिपोर्ट में क्लियरली मैंशन किया है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनको अथॉरिटी दी जाए ऑटोनॉमी दी जाए उनको कुछ ऐसे राइट दिए जाए जैसे कि वो टैक्स कलेक्शन कर सकें और अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी जो फाइनेंशियल पोजिशन है उसको इम्प्रूव कर सकें या स्टेट्स गवर्नमेंट उन पर कुछ स्पेशल ध्यान दें जिससे कि करंट लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी कैन बी मेनटेन क्योंकि अगर थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट का ट्रम्बल हुआ अगर वो डिसबैलेंस हुआ तो इससे स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट भी इंपैक्ट होगी क्योंकि सर्विस डिलीवरी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री ऑन पेज नंबर सिक्स स्लो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ टेक्स ट्रेड डेफिसिट टू रिकॉर्ड हाई ऑफ डॉलर ट्वेंटी थ्री बिलियन सो अब इंडिया अपनी जो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच रहा है या बोल सकता कॉमन पोजीशन पे और वो इंडिया की जो आ, जनरल और कॉमन पोजिशन क्या है वी जनरली वी आर इन ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन और अगर डेटा की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ डॉलर ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू सेवन बिलियन इन द मंथ ऑफ नवम्बर एज एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लोट फास्टर देन इम्पोर्ट तो सीधे सीधे फेस्टिवल सीजन की वजह से डिमांड बढ़ी इकोनॉमी रिकवर कर रही है कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईज आउट हो रहे हैं डिमांड बढ़ रही है और जिससे कि इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो गया है हालांकि इम्पोर्ट तो पहले कम था कोविड की वजह से लेकिन अब बढ़ रहा है लेकिन उस पैटर्न में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उस पैटर्न में नहीं बढ़ पा रहा है एंड दैट डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लीडिंग टू द ट्रेड डेफिसिट और जिसकी वजह से ट्रेड इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नवंबर के मंथ में रिकॉर्ड हाई पोजीशन पर पहुंच गया दैट इज डॉलर ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू सेवन बिलियन और दिस मे हैव द रिपोकॉशन ऑन द करंट अकाउंट बैलेंस व्हिच वॉज इन सरप्लस एट जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ जी एट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिजकल ईयर तो जो करंट अकाउंट बैलेंस जो कि हम जिसमें हम सरप्लस में आए थे काफ़ी टाइम बाद क्वार्टर वन में इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर वन में इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो थोड़ा सा सरप्लस था जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का बिकॉज ऑफ कई सारे इश्यूज थे हमने डिस्कस भी किया था अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस तो आपको पता भी होगा कि उस समय इंडिया वॉर स्ट्रगलिंग विद द पैंडमिक बट जो मेजर इकोनॉमीज़ थी जो इंडिया से लेती थी, थी जिन, जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता था जिन जो जो इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती थी वो अपनी रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी और इसी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ रहा था और इम्पोर्ट उतना अमाउंट में उतने सिग्निफिकेंट पेस में नहीं बढ़ रहा था बिकॉज इंडिया वॉज स्ट्रैगलिंग द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक तो उस समय इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो पॉजिटिव था या बोल सकते सरप्लस की सिचुएशन में था द करंट अकाउंट बैलेंस इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू टर्न इन टू अ डेफिसिट एट अराउंड वन परसेंट ऑफ जी डी पी डिंग फाइनेशियल ईयर ट्वेंटी टू बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डेफिसिट तो ऐसे एंटिसिपेट किया जा रहा था क्वार्टर वन में जो सरप्लस था करंट अकाउंट का वो अब वो भी अब डेफिसिट में आने वाला है इंडिया अपने एक जो कॉमन नॉर्मल सिचुएशन जनरल प्रवलेंस है उसी की उसमें फॉर्मेट में आने वाला है एक्सपोर्ट ग्रोथ फेल टू 26.49 परसेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर फ्रॉम द प्रीवियस मंथ प्रीवियस मंथ में इट वाज 43.05 और अगर इम्पोर्ट की बात करें हमारा एक्सपोर्ट तो डाउन हुआ है इम्पोर्ट बढ़ गया है इम्पोर्ट ऑल्सो ग्रो एट अ स्लोअर पेस ऑफ 57.18 परसेंट फ्रॉम 62.51 परसेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड्स इन ऑब्सल्यूट टर्म्स टू एक्सपोर्ट फेल ड्रास्टिकली टू डॉलर 29.88 बिलियन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड एज पर द डेटा इट इज़ द लोवेस्ट इन नाइन मंथ तो इंडिया जो अपने पैंडेमिक में अपने इंटरनेशनल uh, ट्रेड में या बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अच्छा काम कर रहा था वो फ़िलहाल के लिए अब नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो गया है और अगर एक्सपोर्ट फॉल की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा फॉल गया सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन है वो किस में देखने किस तरह के प्रोडक्ट्स में देखने को मिला तो इंजीनियरिंग गुड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जेम्स एंड ज्वेलरीज इनके केस में फॉल देखने को मिला है जिसकी वजह से इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है इंपोर्ट के कंपैरिजन में एंड दिस इज द ग्राफ दैट इंडिकेट्स अ क्लियर ट्रेड बैलेंस बिटवीन और ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट तो हम देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम एक टाइम पर इंडिया ने सरप्लस रजिस्टर किया था हालांकि जो इंडिया का जनरल पैटर्न है वो यही है वी आर ऑलवेज इन ट्रेड डेफिसिट तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस अचीव किया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स से लेकिन इसके बाद से जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है और वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर कर रही है वैसे वैसे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और अभी तक का ये रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट इंडिया ने अपने इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रेड में देखा है इसके अलावा अगर पी एम आई मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो एक और न्यूज है दैट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग तो पीएमआई जो इंडिया का है इस बार का मैन्युफैक्चरिंग नॉट सर्विस याद रखेंगे पीएमआई दो इंडेक्स के फॉर्म में पब्लिश होता है एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए सर्विस सेगमेंट के लिए तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते तो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग अ डे आफ्टर रिलीज ऑफ जीडीपी डेटा द आईएचएस मार्केट परचेज मैनेजर इंडेक्स सर्वे पॉइंटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यों क्योंकि पी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने अपने दस महीनों पिछले टेन मंथ में सबसे ज्यादा नवंबर के मंथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है द इंडेक्स जूम टू आर टेन मंथ्स हाई इन नवंबर ड्यू टू द हाई डोमेस्टिक डिमांड तो मूविंग ऑन हाई कॉस्ट इन्फ्लेशन अलोंग विद द पोटेंशियल थर्ड वेव कुल दिस पार्टी इन अपकमिंग मंथ एज पर द आई एच एस मार्केट बट येस फेस्टिवल की वजह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस रिलीज हुए हैं उनके इम्पैक्ट की वजह से जो पीएमआई है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग उसने अपने पिछले दस महीनों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दस महीनों के कंपैरिजन में नवंबर के मंथ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग रोज टू फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर फ्रॉम 55.9 इन द प्रीवियस मंथ यानी अक्टूबर में पीएमआई एम मैन्युफैक्चरिंग 55.9 था जो कि नवंबर में बढ़ के फिफ्टी हो गया और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है 50 से ऊपर का नंबर इस पीएमआई में 50 से ऊपर का नंबर इंडिकेट करता है एक्सपेंशन उस पर्टिकुलर सेक्टर में 50 से नीचे का इंडिकेट करता है कॉन्ट्रैक्शन चाहे वो पी सर्विस हो चाहे वो पी एम हो और जितना पचास से ऊपर होता जाएगा उतना ये एंटिसिपेट किया जाता है कि मैनुफैक्चरिंग सेगमेंट में एक्सपेंशन आएगा कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं उनसे जाकर सर्वे किया जाता है किसी कंपनी के मैनुफैक्चरिंग कंपनी के कई सारे हो मैनुफैक्चरिंग कंपनी को ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया जाता है और उनके जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कितने रॉ मटेरियल परचेज होगा कितना इक्विपमेंट परचेज होगा उनसे पूछा जाता है कि आप आगे आने वाले कुछ महीनों में क्या सामान खरीदने वाले हैं क्या रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने वाले हैं कितने अमाउंट में करेंगे और इसका सीधा सीधा संबंध जो रिलेशनशिप ही होती है अगर डिमांड होती है अगर उन्हें प्रोड्यूस करना होता है प्रोडक्शन करना होता है तो, तो वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं प्रोक्योर करते हैं परचेसिंग डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन के बेसिस पर ये हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि अगर मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परचेज डिसीजन ले रहे हैं प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में डिमांड होगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन करना है तो इकोनॉमी में मतलब डिमांड है इस तरह से एक जनरल

कोशिश भी किया है कि हाई इन्फ्लेशन जिस तरह से हो रही है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है थर्ड वेव का जो खतरा आ रहा है नए वायरस वेरिएंट की वजह से वो इस पर्टिकुलर ग्रोथ को डीग्रेड भी कर सकता है सो लेट्स सी हाउ दिस विल मूव ऑन आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स वेयर इंडिया स्टैंड ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस समय डिजिटल करेंसी को लेकर के क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और जैसा कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिटकवाइंस या किसी भी चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हो उसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इंडिया का हालांकि इंडिया में इट इज स्टिल नॉट ए लीगल टेंडर बट हिडन फॉर्म में या डिफरेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के इन्वेस्टर्स का है क्रिप्टो करेंसी में तो ये जो न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड ने दी है ये बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये कवर किया कि जो इंडिया के काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं जो अदर इकोनॉमीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया डिजिटल करेंसी पर कहाँ स्टैंड करता है न्यूज तो क्या है देख लेते हैं हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मंडे को बोला कि सेंटर ने अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल रिसीव नहीं किया है जहां पर बिटकॉइन को एज अ करेंसी रिकॉग्नाइज किया जाए बहुत सारे स्पेक्यूलेशन चल रहे हैं इस समय जो क्रिप्टो बिल प्रेजेंट होने वाला है पार्लियामेंट में उसको लेकर के तो कुछ जो र्यूमर्स हैं मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इंडिया हैज़ नॉट नॉट सेंटर गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज बिट एज अ करेंसी इन इंडिया एज वेल एज आर बी आई हैड रिकमेंडेड वाइडनिंग द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट्स टू इंक्लूड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सी तो बिटकॉइन के साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है और फिलहाल अभी ये इंडिकेशन है कि हो सकता है बिटकॉइन को करेंसी की लिस्ट में या डिजिटल करेंसी की लिस्ट में इंक्लूड ना किया जाए बट येस आर ने ये जरूर रिकमेंड किया है कि जो बैंक नोट की डेफिनेशन है उसमें जो आर की सेंट्रल करेंसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको सी भी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको इंक्लूड करने की बात या उसको इंक्लूड करने के लिए आर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है वाइल्ड द क्रिप्टो करेंसी बिल इज अवेटेड एनालिसिस शोज दैट इंडिया इज नॉट ओनली मेजर इकोनॉमी डेवलपिंग अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो ये सी के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो क्रिप्टो बिल है उसमें सी को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो अदर प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज है उनका रिकॉग्निशन कैसे होगा इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है बट हाँ एज़ पर द एनालिसिस जो एनालिसिस है वो ये शो करते कि इंडिया केवल ऐसा कंट्री नहीं है जो केवल अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप कर रहा है इसके अलावा डेटा फ्रॉम अटलॉटिक काउंसिल डेटा बेस शोज दैट एटी सेवन कंट्रीज विच अकाउंट फॉर नाइंटी परसेंट ऑफ वर्ल्ड जी डी पी आर एक्सप्लोरिंग दिस सी बी डी सी तो केवल इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है जो सेंट्रल ओंड या सेंट्रल बैंक ओंड या सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी के बारे में एक्सप्लोर कर रहा है या ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है इसके अलावा सत्तासी और कंट्रीज भी हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की जी डी पी का नाइन्टी परसेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनके सेंट्रल बैंक्स भी इस तरह के ऑप्शन सीबीडीसी जैसे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं थ्री हैव ऑलरेडी कैंसल्ड देयर प्रोजेक्ट और उसमें से तीन कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने फिलहाल के लिए सेंट्रल बैंक ओन्ड और सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी का जो ऑप्शन है जो प्रोजेक्ट है उसको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है इसके अलावा सात ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें नाइजीरिया भी इंक्लूडेड है दे हैव लॉन्च देयर सी बी डी सी तो सात कंट्रीज जो हैं वो अपना सेंट्रल ओन सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी लॉन्च भी कर चुके हैं सोलह कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट जो है वो पायलट स्टेज में है पंद्रह कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर करेंसी डेवलपमेंट स्टेज में है तो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट इज थिंकिंग अबाउट सी बी डी सी पहले तो ये बात है और अगर हम पायलट स्टेज की बात करें जो पंद्रह सोलह कंट्रीज जो पायलट स्टेज में जो टेस्टिंग कर रहे हैं कि उन्हें सी लाना चाहिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लानी चाहिए उसमें बड़े बड़े देशों के नाम हैं जैसे कि चाइना सऊदी अरेबिया स्वीडन एंड साउथ कोरिया तो ये कंट्रीज़ जो हैं दे आर एट देयर पायलट स्टेज वो क्या करेंगे लाएंगे कि कैंसिल करेंगे अपना प्रोजेक्ट अभी इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है फिलहाल सात जो है वो लॉन्च कर चुके हैं पंद्रह डेवलपमेंट की स्टेज में तो हम ये कह सकते हैं सेवन प्लस फिफ्टीन जो कंट्रीज हैं दे हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड दिस सीबीडीसी तीन ने कैंसिल कर दिया है और सोलह जो हैं वो अभी फिलहाल डेवलपमेंट की स्टेज पर हैं। रूट रिपोर्ट रिलीज इन द मंथ ऑफ नवंबर हैड हाँ अ तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना दैट इज पी बी ओ सी ऑफिशियल इज क्लेमिंग दैट वन फोर्टी मिलियन पीपल हैड ओपन द वॉलेट फॉर डिजिटल यू ऑन तो जो चाइना का डेटा है उसके अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा वन फोर्टी मिलियन इंडिविजुअल्स ने अपने वॉलेट ओपन किए ई वॉलेट ओपन किए हैं फॉर बाइंग और सेलिंग द डिजिटल यू ऑन और अप्रोक्सीमेटली डॉलर नाइन पॉइंट बिलियन बर्थ का ट्रांजेक्शन अभी फ़िलहाल चाइना की करेंसी जो डिजिटल करेंसी जो कि डेवलपमेंट पायलट स्टडी की, की स्टेज में उसमें हो चुका है तो दिस इज द नंबर फ्रॉम चाइना इंडिया अभी इस कंसर्न में बहुत पीछे है अपने पियर्स से अपने काउंटर पार्ट कंट्री से लेकिन यस इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल करेंसी सी जो है वो, वो अडोप्ट कर चुके हैं एज पर द एनालिस

कितने जिन्होंने लॉन्च किया उनका पायलट डेवलपमेंट रिसर्च ये सब डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू अप दिस डेटा यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट हाँ यहाँ पर एक चीज़ आप याद कर है सकते हैं सात कंट्रीज जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं सोलह जो हैं वो पायलट स्टडी में इट मींस ये इंक्वायर कर दें सेवन प्लस सिक्सटीन तो हमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं इतने नंबर ऑफ कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है फिफ्टीन नॉट सिक्सटीन इट्स फिफ्टीन डेवलपमेंट की जो स्टेज में तो पायलट स्टडी वाले अभी भी क्वेश्चन uh, मार्क के स्टेज पर हैं दिस इज द स्टेटस चेक इन केस ऑफ इंडिया सीबीटीसी और वर्ल्ड सीबीटीसी आप देख लेते हैं समाधर न्यूज स्क्रिप्ट ऑमिकॉन थ्रेड डी ए रेगुलर ओवरसीज फ्लाइट फाइनली द सेंटर हैज़ फॉर्मली पुट ऑन होल्ड द रिजम्शन ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट फ्राम डिसम्बर फिफ्टीन और सीधा सीधा रीज़न ये है जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के जो फेयर है उसको देखते हुए फिलहाल के लिए जो पंद्रह दिसंबर से फ्लाइट रिज्यूम होनी थी रेगुलर फ्लाइट रिज्यूम होनी थी इंटरनेशनल फ्लाइट उस ऑप्शन को उस डिसीजन को गवर्नमेंट ने होल्ड पर रख दिया है अभी वॉच की डिसीजन या वॉच ही सिचुएशन में है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कंट्री कि किस तरह से ये जो नया वेरियंट है ये काम करता है आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जीएसटी मॉपअप हिट्स रूपीज वन पॉइंट थ्री वन ट्रिलियन इन नवंबर दैट इज द सेकेंड हाईएस्ट एवर तो फेस्टिव सीजन की वजह से इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन ग्रू अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन ईयर बेसिस पिछले साल के कंपैरिजन में 25 परसेंट का इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन नया जीएसटी कलेक्शन में देखा गया है और इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वो 1.39 ट्रिलियन का रहा है एंड दैट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मॉपअप एवर एज पर द ऑफिशियल डेटा अब सेकेंड हाईएस्ट है तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि इससे पहले कितना कलेक्ट हुआ था कब कलेक्ट हुआ था तो इससे पहले जो हाईएस्ट कलेक्शन था जो एवर हाईएस्ट कलेक्शन है अभी तक की जीएसटी की हिस्ट्री में इंडिया की जीएसटी की हिस्ट्री में तो वो है अप्रैल दिस ईयर इस साल के अप्रैल के महीने में अप्रॉक्सीमेटली वन ट्रिलियन का जी कलेक्शन हुआ था इसी फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल के मंथ में अब ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ था और इस बार नवम्बर में ये रिकॉर्ड देखने को मिला है So as per the different indicators like e-way bill generated, एंड ट्रांजेक्शन्स इन सबको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड हाई जी एस टी कलेक्ट हुआ सीधा सीधा रीज़न उसका फेस्टिव सीजन में जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो और अगर आप देखें तो डिमांड का इंक्रीज डिमांड का जी एस टी कलेक्शन पर भी हमें क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है मैनुफैक्चरिंग पी एम आई पर भी हमें क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है और कल हमने डिस्कस किया था जो आर्ट कोर्स सेक्टर्स हैं उन्होंने भी ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड इन फेस्टिव सीजन तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फिनेंस मिनिस्ट्री आर बी आई एफर्ट्स टू रैम्प अप द क्रेडिट लैंडिंग फैसिलिटी जिससे कि पब्लिक के हाथ में मनी बढ़े और डिमांड बढ़े और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें हम इंडिकेटर्स में दिखना शुरू हो गया बटे कितने टाइम तक सस्टेन रहता है इट अज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि किस तरह से आगे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो इसको होल्ड ऑन करती हैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्विगी वैल्यूड एट डॉलर टेन पॉइंट फाइव बिलियन इन डॉलर सेवन हंड्रेड मिलियन इन्वेस्ट को लेड राउंड सो फूड डिलीवरी सर्विस स्विगी इज रेजिंग अप्रॉक्सीमेटली डॉलर सिक्स हंड्रेड मिलियन तो फंड रेजिंग एक्सरसाइज पर गया है स्विगी डॉलर सिक्स हंड्रेड मिलियन टू डॉलर सेवन हंड्रेड मिलियन का फंड रेज करने वाला है और इन्वेस्ट को That round is led by Investco that's due to close this month as per the people aware about this matter. While Investco will pour approximately dollar 200 hundred million इसके अलावा Investco तो दही रहा है dollar two hundred million इसके अलावा जो अदर participants हैं वो भी इसमें कई सारे हैं जिसमें SoftBank Group भी participate कर रहा है but yes बहुत सारे जो ऐसे participants हैं आप बोल सकते हैं ऐसे चर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं द डील वैल्यू वैल्यू सुगी फॉर्मली नोन एज बोंडी टेक्नोलॉजी एट अबाउट डॉलर टेन पॉइंट फाइव बिलियन लेकिन इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद स्विगी का जो वैल्यूएशन है वो डॉलर टेन पॉइंट फाइव बिलियन तक हो जाएगा तो इट इज गोइंग टू अचीव द डेका कॉन पोजिशन दिस स्टार्टअप इज गोइंग टू अचीव द डेका कॉन पोजिशन रिसेंटली

4.2 बिलियन एंड द वैल्यू ऑफ दोज ट्रांजेक्शन सप्लासेज द डॉलर हंड्रेड बिलियन मार्क और इसके बाद भी ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू है तो सीधी सीधी सी बात फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ी डिमांड बढ़ी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई परचेज हुए जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हुए ट्रांजैक्शन हुए तो मनी मन ट्रांसफ़र हुआ तो रिसेंटली UPI ने एक रिकॉर्ड रजिस्टर किया था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और एज पर द रिसेंट डेटा अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भी ये जो रिकॉर्ड है ये कंटिन्यू है और यू का जो पेमेंट है ट्रांजैक्शंस है ज कंटिन्यू दिस मोमेंट इन नवम्बर विद द प्लेटफॉर्म रिकॉर्डिंग फोर पॉइंट वन एट बिलियन ट्रांजेक्शंस अमाउंटिंग सेवन पॉइंट सिक्स एट ट्विलियन बट ऑन अंथ ऑन मंथ बेसिस अगर कंपेयर करें बो द वॉल्यूम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डिप्ट सम तो अगर मंथ वाइज मंथ कंपेरिजन करें तो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में हम फेस्टिव सीजन के उसमें ज्यादा थे मोड में नवंबर आते आते वो फेस्टिव सीजन जो हैं वो धीरे धीरे अब कम होने लगा तो जिसकी वजह से डिमांड भी कम हो रही है और पेमेंट और ट्रांजेक्शन भी कम हो रहे हैं बट यस ओवरऑल यू पी आई इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड एंड दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाथ इज कंटिन्यू सिंस लास्ट फाइव मंथ्स amid the economic recovery so that is all for today students if you want lecture pdf you can join my telegram channel you can also follow me on other social media platforms if you have any query and suggestion you can write on comment section below please like share and subscribe thank you